जनपद संभल की चंदौसी में मुशायरे का आयोजन किया गया। जनपद संभल की चंदौसी में आजाद रोड पर स्थित संजीवनी पैलेस में इतिसी खुशी समिति की ओर से मुशायरे का आयोजन किया गया। इसमें शायरों ने कलाम पेश कर क्षमा रोशन कर दी और खूब वाहवाही लूटी। इस मौके पर पुस्तक एहसास का विमोचन भी किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद संभल के जिलाधिकारी रहे पवन कुमार भी शायर के रूप में मौजूद रहे और कलेजा रह गया उस वक्त फटकर, कहा जब अलविदा उसने पलट कर नज्म सुनाई। वही शायर नसीम हाशमी ने सुनाया कि हवाएं जोर इतना कर रही हैं, चरागों को पसीना आ रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों ने इसके मुशायरे में शिरकत की और एक से एक बड़े शायर, देश के बहुत नामवर शायर यहाँ पर उपस्थित हुए और बहुत खुशी हुई कि मैं भी उसमें फेहरिस्त में शामिल थी और अपना कलाम यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत यादगार कार्यक्रम रहेगा। हमारे चैनल के दर्शकों के लिए कोई एक अपना खूबसूरत कलाम सुना दीजिए। आज मैंने जो दो शेर पढ़े थे वही आप सभी के नाम कर देती हूँ। वो जब हालात से नाराज होगा, वो जब हालात से नाराज होगा, मैं थोड़ा नीचे करवा, यकीनन तब कोई आवाज होगा। वो जब हालात से नाराज होगा, तुम्हें कांटे चुभे हैं इसलिए भी, तुम्हें कांटे चुभे हैं इसलिए भी, तुम्हारा फूल सा अंदाज होगा। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महिला खुद में बहुत सशक्तिकरण की बात मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है हम खुद पे इतनी शक्तिवान हैं कि उसके बारे में हम बात करना मुझे बहुत मौजू नहीं लगता। अगर हम अपने भीतर ही झांक लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जाएंगी जो हमें एम्पावर करती हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को आप किस नज़रिए से देखती हैं? उत्तर प्रदेश में अभी थोड़े से हालात बेहतर हुए हैं ऐसा मुझे महसूस होता है। क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को? महिलाओं को क्या खुद में इतनी खुददार बने, खुद में इतनी शक्तिवान, अपने अस्तित्व को खुद जब पहचान लेंगी तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़रूरत पड़ेगी बाहरी सहारों की। आपको लगता है कि वो समय आ गया है? समय तो समय मुश्किलात तो हैं, समाज की ओर से मुश्किलात हैं, लेकिन अगर हमें खुद में इतनी शक्ति है, इतनी कुव्वत है, हम इस चीज़ से आगे निकल सकते हैं। बाकी हालात तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से हैं स्त्रियों के प्रति विशेष तौर पर यहाँ न, न, शायरी में जो नाम है मेरा नसीम हाशमी चंदौसी। आज चंदौसी में जो मुशायरे का कार्यक्रम है और किताब का विमोचन भी है उसमें आपने शिरकत की है, इसमें क्या कहेंगे आप? उसमें मैंने मेरी ये दूसरा मजमूआ है मेरा एहसास का सफ़र जो लॉन्च हुआ है और उसी मतलब ये कि ओपनिंग की हैसियत से मैं यहाँ शरीक हुआ। कोई अपना खूबसूरत सा कलाम हमारे चैनल के दर्शकों को सुनाइए। जी साहब, शेर हाजिर है कि हवाएं जोर इतना कर रही हैं, चरागों को पसीना आ रहा है और देखिएगा कि वो मैं भी हूँ तजुर्बात की दौलत से माला माल, इसका सबूत ये मेरे चांदी के बाल हैं। उसने कभी गुरूर की हद को नहीं छुआ, वो आसमां जरूर था लेकिन झुका हुआ। जिधर भी जाओ उधर खोखले ही रिश्ते हैं और सितम भी यह है कि शामिल इन्हीं में होना है। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, दोबारा से कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, इसमें कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? लोग एहतियात रखें, इससे बचाव रखें, सरकार की मदद करें, आपस में मदद करें, बचाव ही इसका एक रास्ता है। बचाव नहीं करेंगे तो मतलब यही है कि एक तरह का नज़ला है, वायरस है नज़ले का, बस जो कि उड़ के लगता है। लोगों को चाहिए कि एहतियात रखें और हुकूमत के दिशा निर्देशों का पालन करें, सहयोग करें, उसी में सबकी भलाई है। ये बहुत अच्छा है कि
इस माहौल में जो सारे सारी दुनिया में है कोरोना के वजह से, उसमें जो सारी सरगर्मियां रुकी पड़ी हुई हैं, सारी गतिविधियां बंद हैं, शायर अपने घरों में और साना निगार अपने, तो ये इस माहौल में इन्होंने ये एक यहाँ एक तकरीब ये बर्पा करके एक हिम्मत का काम किया है कि लोगों को अपने घरों से निकल के थोड़ा खुले पन में आने का मौका मिला और वो सारी एहतियातें बरकरार रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ख्याल रखते हुए ये महफिल इन्होंने यहाँ पर रास्ता की है। तो हमें खुशी है कि इसमें थोड़ा सा लोगों को थोड़ा एतमाद हासिल होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और ज़िंदगी की जो एक यकसानियत थी वो कम होगी और कुछ नए तरह से सोचने का और महसूस करने का मौका मिलेगा। ये जो मुसीबत आई हुई है उस पर उससे हटने का और उससे दूर जाने का मौका मिलेगा। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनकी किताब भी आज इनका विमोचन भी हुआ है और बहुत अच्छे शायर हैं वो, तो चंदौसी के लोगों को मुबारक हो कि आज उन्होंने एक अच्छी तकरीब यहाँ पर आरास्ता की है और बहुत से लोग आए हैं यहाँ पर, तो मुझे खुशी है कि ये यहाँ पर मैं आने का मौका मिला। हमारे चैनल के दर्शकों को एक अपना एक खूबसूरत सा कलाम सुनाइए। एक शेर मैं पेश करता हूँ, मोहब्बत इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना मोहब्बत क्यों नहीं करते।